We'll do the book work of 8th chapter of 8th class, A Lesson in Life from a Beggar. We will do the B1 part. So, you see, B1 part, mein we have part A and column A and column B. And we have to match column A with column B. So, column A, mein dekhiye kya hai ki column A ka meaning de rakha hai column B. Mein. Aur humne ye phrases hai column A, mein, in phrases ke meaning ko column B se match karna hai. So, first one is belittle the achievement. Belittle the achievement का मतलब क्या होता है कि किसी की जो भी उपलब्धि है उसको कम कर देना, ठीक है, उपलब्धि को कम करके बखान करना या किसी की उपलब्धि को कम करना. सो belittle the achievement, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, dismiss one's achievement as unimportant या किसी की अचीवमेंट को महत्वपूर्ण ना समझना, हम ये कह सकते हैं. never ending complaints का मीनिंग क्या हो गया कि भाई आपकी कंप्लेंट्स कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, डिससेटिस्फेक्शन का आप असंतुष्ट हैं हमेशा, उसका कोई एंड ही नहीं है. तो इसका क्या हो जाएगा, ये ए, हैविंग नो एंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन और एनोइंस. नेक्स्ट इज एब्सोल्युटली डम फाउंडेड का मतलब क्या होगा, एब्सोल्युटली डम फाउंडेड का वैसे तो एकदम से बोलते हैं ना मूक, एकदम से आवाक रह जाना किसी चीज़ को देख कर. तो वो कहते हैं एस्टोनिस्ट ग्रेटली, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होना. जस्ट फॉर लाइफ का क्या हो गया, ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एनर्जी फॉर लाइफ. जस्ट फॉर लाइफ का क्या हो गया, ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एनर्जी फॉर लाइफ, जोश पे, जिंदगी के लिए एनर्जी और जोश. सो ये सेकंड हो गया. अब इसमें हमने क्या करना है, ये पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. देखिए, रंजीत सिंह वॉज ए ग्रेट एथलीट इन हिज यंग डेज एंड स्टिल पार्टिसिपेट्स इन द एनुअल वेटरनर्स मैराथन रेस हेल्ड इन द सिटी. यंग एथलीट रंजीत पार्टिसिपेट करता है अभी भी मैराथन में, सिटी में जो हेल्ड होती है. आफ्टर ही शिफ्टेड टू ए न्यू पोस्ट लोकेलिटी, वन डे ही मेट हिज नेक्स्ट डोर नेबर. जब वो अपने न्यू पोस्ट लोकेलिटी में पहुंचा तो अपने नेक्स्ट डोर नेबर से मिलता है. ही वॉज टू नोटिस दैट द यंग मैन हैड नो इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट ही हैड एवरीथिंग ही कुड होप फॉर. तो देखिए, वो उससे मिलता है तो ही वॉज ब्लैंक टू नोटिस, ही वॉज इसमें हमने अभी फिलअप करनी है भाई, ही वॉज एब्सोल्यूटली डम फाउंडेड, ही वॉज एब्सोल्यूटली डम फाउंडेड टू नोटिस दैट द यंग मैन हैड नो जस्ट इन लाइफ, जस्ट फॉर लाइफ. वो डम फाउंडेड था ये नोटिस करके कि उस यंग मैन में कोई जोश नहीं था जिंदगी के लिए भाई, ठीक है. लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ ऑन देयर वेरी फर्स्ट मीटिंग रंजीत गोट फेड अप ऑफ लिसनिंग टू हिज, रंजीत फेड अप हो गया, बोर हो गया उसकी बातें सुनकर भाई, किसके, लिसनिंग टू हिज अबाउट द प्रॉब्लम इन कॉलोनी, लिसनिंग टू हिज नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स भाई, लिसनिंग टू हिज नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, कभी खत्म ना होने कंप्लेंट सुनकर वो परेशान हो गए, रंजीत फेड अप हो गए. ही ट्राइड ऑफ द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से उसने क्या ट्राइड किया भाई, ही ट्राइड टू बिलिटल द अचीवमेंट ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, उसने उसको कम करने की कोशिश की. लैंड एंड ईयर का मतलब ये कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं. लैंड एंड ईयर का मतलब लिसन अटेंटिवली, ध्यान से सुन ला. शेप अप और शिप आउट का मतलब होता है यूज टू टेल समवन दैट इफ दे डोंट इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एट वर्क दे विल लॉस देयर जॉब. शेप अप और शिप आउट का मतलब क्या है, किसी को बताने के लिए यूज होता है कि यदि वो अपना काम नहीं सुधारेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी. पेंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब क्या है, ए पॉइंट व्हेन यू हैव टू कंटिन्यू विद व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू, एक ऐसा पॉइंट जब आप वहां पर जो आपने डिसाइड कर रखा है काम करने का उसको जारी रखते हैं, क्योंकि अब आपके लिए पहले वाली सिचुएशन में पहुंचना असंभव है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. कैसी जगह पे पहुंच गए आप, वहां से वापस नहीं आ सकते भाई. कोई काम शुरू किया आप, ऐसे पहुंच गए कि अब उस काम में आप वापस जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते, आपको जारी रखना ही पड़ेगा. पुट वंस फुट डाउन का मतलब क्या होता है, स्टिक्ट होना, फर्म होना भाई, बिल्कुल मजबूत होना, यानी कि स्टिक्ट, सख्त होना. थ्रो द ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है भाई, एक तो फॉर्मली होता है औपचारिक तौर पर, एक अनौपचारिक तौर पर संदेश का फैलना भाई. औपचारिक तो क्या होगा, जैसे हम प्रॉपर तरीके से सही चैनल से मैसेज भेजें, और एक वैसे ही पता ही नहीं किस माध्यम से वो मैसेज जा रहा है, तो इट मीन्स वो इनफॉर्मली फैल रहा है वो थ्रो द ग्रेप वाइन.
रिंग ए बेल का मतलब क्या होगा, रिमाइंड्स यू समथिंग बट यू कांट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, कि कोई चीज याद दिलाना जो आपको याद नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए सर्टेन एब्रीविएशन है, इसमें इसमें कुछ एब्रीविएशन दे रखे हैं, पॉल वर्ड के है BLVD, ठीक है, ये एब्रीविएशन दे रखी हैं, इधर ये वर्ड्स हैं बी पार्ट में, इनके एब्रीविएशन है, तो हमने इनके वर्ड्स को इनके एब्रीविएशन से मैच करना है। तो अपार्टमेंट के एब्रीविएशन देखिए, सीधी सी बात है ए से स्टार्ट होगी, तो अपार्टमेंट के एब्रीविएशन क्या हो गई, अपार्टमेंट ये सेकंड है ना, अपार्टमेंट के एब्रीविएशन क्या हो गई, ये एप्ट APTS, एवेन्यू के, एवेन्यू की क्या हो जाएगी भाई, एवेन्यू की क्या होगी AVE, देखो अपार्टमेंट की तो AP और फिर ये T यहाँ से ले लिया, एवेन्यू की AVE यही हो गई, और फोर्ट की क्या हो जाएगी FT, देखो कहाँ पे है फोर्ट की, फोर्ट कहाँ गया भाई, FT ये बिल्कुल स्टार्ट में रहा। गार्डन्स की, गार्डन्स की क्या होगी भाई एब्रीविएशन, GDNS, गार्डन्स की देख लो GDNS, ठीक है। हाइट्स की, हाइट्स की क्या होगी, हाइट्स की HTS देख लो, HTS, ठीक है। माउंट की MOUNT की MT हो जाएगी माउंट की, ठीक है। प्लेस की, प्लेस की क्या हो जाएगी PL हो जाएगी। रोड की RD हो जाएगी, रोड की देखो ये RD। रूट की ROUTE, रूट की क्या हो जाएगी RT, रोड की RD हो गई तो रूट की RT हो गई, ठीक है। और स्ट्रीट की क्या हो जाएगी लास्ट, स्ट्रीट, स्ट्रीट की ST हो जाएगी। तो ये इनकी एब्रीविएशन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या है कि हमने ये आंसर्स दे रखे हैं और क्वेश्चन वर्ड करके क्वेश्चंस बनाने हैं भाई, इन आंसर्स से क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे ये है ना आई एम फाइन थैंक यू, भाई मैं ठीक हूं, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। सेकेंड भी आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। अब इसमें देखिए आई लिव इन फ्रेजर टाउन, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें आंसर क्या है कि मैं फ्रेजर टाउन में रहता हूं, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आप कहां रहते हैं, वेयर से क्वेश्चन बनेगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आंसर है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्वेश्चन बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, वेयर डू यू लिव। ये देखिए आई एम एनोयड विद देम, ठीक है, इसका क्या क्वेश्चन बनेगा फोर्थ का, भाई वो कहेगा ना कि मैं उससे गुस्सा हूं, तो इसका क्या भाई, क्या बात होगी तुम्हारी उनसे, तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हाट इज द मैटर विद यू, व्हाट इज द मैटर विद यू। नेक्स्ट देखिए नथिंग इज रॉन्ग विद मी, तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा क्या क्या गड़बड़ है भाई तुम्हारे साथ, या क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। ये भाई आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रहा हूं, क्वेश्चन क्या बनेगा, कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ऐसे इसमें देखिए दैट वॉज द न्यूज पेपर बॉय, वो न्यूज पेपर बॉय है कौन है वो, हु इज ही, ठीक है, हु इज दैट, ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए दैट इज स्ट्रेंजर ओवर देयर, दैट इज स्ट्रेंजर ओवर देयर, भाई वहां पर कोई अजनबी व्यक्ति है तो क्या हो जाएगा, कौन है वहां पर, हु इज देयर हो जाएगा इसका। आई लॉस्ट सम मनी, यू लुक्ड वरीड, तुम चिंतित दिखते हो भाई, मेरा पैसा खो गया, गुम हो गया, पैसा खो गया है मेरा, ठीक है, तो पैसा खो गया तो इसका क्या बनेगा कि आपका पैसा खो गया है तो क्या हुआ आपको भाई, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में पहले थोड़ा सा दे रखा है कि आप चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात हुई, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा ना, तो आई लॉस्ट सम मनी, व्हाट हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैपेंड विद यू, ठीक है। टेंथ में देखो आई वुड लाइक टू सी मिसिज वर्मा, मैं मिसिज वर्मा से मिलना पसंद करूंगी भाई, ठीक है, या करूंगा जो भी, आई वुड लाइक टू सी मिसिज वर्मा, तो इसका क्वेश्चन है किससे मिलना चाहोगे भाई आप, होम वुड यू लाइक टू सी या होम वुड यू लाइक टू मीट। अब इसमें देखो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं जानता हूं या नहीं जानती हूं, इसका क्या बनेगा, व्हाट डू यू नो, आप इस चीज के बारे में क्या जानते हैं, तभी तो उस चीज का आंसर होगा ना कि मैं कुछ नहीं जानता हूं इस चीज के बारे में, सो तो व्हाट डू यू नो अबाउट इट। नेक्स्ट देखिए आई हैवंट डन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है भाई, इसका क्वेश्चन क्या बनना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया है, व्हाट हैव यू, क्या किया है भाई तुमने, ऐसे ही बोलेंगे ना, तो यही तो क्वेश्चन बनेगा, तो व्हाट हैव यू डन, व्हाट से बनेगा। आई वुड लाइक टू मीट देम अराउंड 10 o'clock, भाई मैं उनसे 10 बजे मिलूंगा भाई, मिलना पसंद करूंगा, तो यानी कि भाई कब मिलना पसंद करेंगे, व्हेन, कब के लिए, व्हेन, सो व्हेन वुड यू लाइक टू मीट देम, बस इतना क्वेश्चन बन जाएगा।
आई वॉन्ट टू गिव देम सम इंफॉर्मेशन, भाई मुझे उनसे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, तो एक तो इसका क्वेश्चन बन सकता है भाई आपको क्या काम है उनसे, ठीक है, या ये भी हो सकता है आप उनसे क्यों मिलना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू मीट देम, या वट यू हैव टू डू विद देम, ठीक है, कोई भी इन दोनों में से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। द पिंक वन इज दियाज बैग, भाई पिंक वन दिया का बैग है, तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा किसका बैग है भाई, हुज बैग इज दिस, ठीक है, इसका क्वेश्चन ये बन जाएगा किसका बैग है। डेजीज बैग इज मिसिंग, भाई डेजी का बैग गुम है, किसका बैग गुम है भाई, हुज बैग इज मिसिंग बन जाएगा इसका क्वेश्चन। द बैग सिंपली डिसअपियर्ड, आई रियली डोंट नो हाउ इट हैपेंड, भाई ये बैग जो है ना डिसअपियर हो गया, मुझे नहीं पता कैसे चला, तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई व्हाट हैपेंड टू द बैग, या हाउ डिड द बैग डिसअपियर, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि रीड द शॉर्टेंड क्वेश्चन इन बॉक्स, बॉक्स में शॉर्टेंड क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं सुटेबल वंस के साथ में, तो वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, व्हाट का मतलब क्या, व्हेन मींस कब, व्हाट फॉर मींस किस चीज के लिए, हाउ मच मींस कितना, हाउ लॉन्ग मींस कितने लंबे समय से, कितने लंबे टाइम से, व्हाई मींस क्यों, हाउ फार कितने आगे तक भाई, ठीक है, व्हाट अबाउट किस चीज के बारे में, व्हाट टाइम क्या टाइम है, विच वन कौन सा, हु विद किसके साथ, या विद होम किसके साथ, वेयर टू कहाँ जाना है भाई, कि कहाँ को, या ये बोल देंगे। तो अब इसमें देखिए, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तो रीता बोलती है आई वेंट आउट, व्हाट टाइम, इन द इवनिंग। अब ये क्वेश्चन है, आई वेंट टू शॉपिंग मॉल, तो इसमें से हमने क्वेश्चन बनाना है भाई, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, मैं शॉपिंग मॉल गई थी, तो इसमें क्या क्वेश्चन लगेगा भाई, ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या लग जाएगा, कहाँ गई थी भाई, तो वेयर टू, वेयर टू का आंसर होगा आई वेंट टू शॉपिंग मॉल। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, वी वेंट टू सिटी सेंटर, ठीक है, या इसमें भी ये हो सकता है कि भाई वी वेंट टू सिटी सेंटर, वी वेंट टू सिटी सेंटर का क्या होगा, इसका भी वेयर टू ही होगा, कहां गए थे भाई, वेयर टू, फिर उसके बाद में विद माय पेरेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, पेरेंट्स के साथ गए थे, तो विद होम किसके साथ गए थे भाई। द वैकेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन हॉलीडे, फिर ये वी नीड ए ब्रेक डोंट वी, तो इसमें फिर देखो व्हाट फॉर, I want to go for on holiday. We need a break. तो इसका क्या हो जाएगा? What for? किस चीज के लिए ब्रेक चाहिए भाई आपको? ठीक है, या why? ठीक है. Yes, we need. तो हमें जरूरत है. What time? इस फिर इसका ये अगले का आंसर देखो. This summer, isn't it possible? इस समर में हमें भाई ब्रेक चाहिए. तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? What time? कब चाहिए? यानी कि अब इसका नेक्स्ट का देखिए, देयर आर मैनी आईलैंड इन द कंट्री aren't देयर, मे बी टू एन आईलैंड सम वेयर फार, ठीक है, तो भाई इसका क्वेश्चन बन सकता है वेयर, कि कहां जाएंगे आप भाई, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे, ये दूरी बता रहा है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, हाउ फार, कितना दूर है भाई, हैव यू एनी आइडिया व्हाट आर यू टॉकिंग, इट विल कॉस्ट ए लॉट, ठीक है, Have you any idea what are you talking? ठीक है, ये तो क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, इसके लास्ट इसके इसका क्वेश्चन बनाने, इसका पहले अनिता का आंसर देखेंगे, रीता से पहले क्वाइट ए लोट, इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम, क्वाइट ए लोट का क्या हो जाएगा, बहुत सारा भाई, तो बहुत सारा मतलब हाउ मच, ठीक है, यू टेल मी व्हाट वुड बी द आइडियल, वन वीक शुड बी फाइन, वन वीक शुड बी फाइन, तो मतलब टाइम पूछ रहे हैं ना, एक सप्ताह भाई, तो हाउ लॉन्ग, कितने हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम के लिए लगा देते हैं, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हेयर, या हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग हेयर, कितने लंबे टाइम से आप ये रह रहे हैं, तो वन वीक मीन्स हाउ लॉन्ग इसका हो जाएगा, ठीक है, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड द फंड्स फॉर ट्रिप, ठीक है।